हेलो डियर स्टूडेंट्स यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम शेक्सपियर के लाइफ और वर्क से रिलेटेड ट्वेंटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इससे पहले हमने ट्वेंटी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है यदि आप उस वीडियो को देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं आज हम स्टार्ट करेंगे ट्वेंटी से लेकर के फोटी तक इफ़ यू वॉन्ट पी ऑफ दिस क्वेश्चन द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ से आप इन क्वेश्चन की पी को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है दैट मीन्स ट्वेंटी फर्स्ट है विच शेक्सपियरियन प्ले कंटेंस द लाइन शेक्सपियर के किस प्ले में इन लाइन का प्रयोग किया गया है और वो लाइन है देर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो शेक्सपियर के किस प्ले में यूज़ किया गया है फर्स्ट है किंग लियर सेकेंड है हेमलेट थर्ड है कोरिलाइंस और फोर्थ है मैकबेथ बेथ यहाँ पर देखो सही से नहीं लिखा है लेकिन ये किंग लियर ही है ठीक है तो ये जो लाइंस का प्रयोग किया गया है बेसिकली इसका सही आंसर बी है हेमलेट में यूज किया गया है हमारा अगला क्वेश्चन है ट्वेंटी टू शेक्सपियर सोनेट ये शेक्सपियर के सोनेट के बारे में चार ऑप्शन हैं आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट है फर्स्ट है डू नॉट कैरी डेडिकेशन बी है आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड सी है आर डेडिकेटेड टू मैरी ऑर्डन और डी है आर डेडिकेटेड टू एन अनोन मिस्टर डब्ल्यू एच तो इसका सही आंसर डी है बेसिकली शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखा है जिसमें से 126 सोनेट को उन्होंने अपने फ्रेंड मिस्टर डब्ल्यू को एड्रेस किया है और 28 जो सोनेट है उसे इन्होंने एड्रेस किया है अपनी विलप डार्क लेटी को क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ़ दिस प्लेस बाई शेक्सपियर डज नॉट यूज़ क्रॉस ड्रेसिंग एज ए डिवाइस ये कहते हैं कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग का प्रयोग नहीं किया गया है क्रॉस ड्रेसिंग क्या होता है जब मेल फीमेल का कपड़ा पहन लेता है फीमेल मेल का कपड़ा पहन लेता है तो उसी को बोलते हैं क्रॉस ड्रेसिंग तो ऐसा किस में नहीं यूज़ किया गया है ये फ़र्स्ट है एज यू लाइक इट सेकेंड है जूलियस सीजर थर्ड है सिम्बेलाइन और फोर्थ है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसका सही आंसर बेसिकली जूलियो सीजर है जूलियो सीजर में क्रॉस ड्रेसिंग का प्रयोग नहीं किया गया है अगला क्वेश्चन है ट्वेंटी फोर नंबर का हु अमंग द फॉलोइंग गेब अ हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर जो कि शेक्सपियर की एक ट्रेजडी है और ट्रेजडी के मतलब होता है दुखद कहानी तो उसकी हैप्पी एंडिंग किसने दी है फर्स्ट है जेम्स क्विन सेकेंड है नाहम टेल और थर्ड है पेगो वॉफिंगटन फोर्थ है चार्ल्स मैचलिन बेसिकली नाहम एक जो कि माइनर प्रॉफिट होते हैं और उन्होंने बहुत सारी स्टोरी लिखी है तो उनकी एक स्टोरी जो है नाहम टेल की उसमें इन्होंने हैप्पी एंडिंग दी है तो बी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन हमारा है ट्वेंटी फाइव नंबर का रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीजन गिवेन फॉर इट चूज़ द राइट रिस्पॉन्स फर्स्ट जो है वो स्टेटमेंट है सेकंड है रीज़न है आपको ये बताना है कि जो पहला स्टेटमेंट है उसका जो सेकंड रीज़न दे रखा है वो उसके हिसाब से करेक्ट है स्टेटमेंट है कि ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना ओथेलो ने डिस्टमोना को किल किया था ये तो बिल्कुल सही है लेकिन क्या दूसरा रीजन सही है बिकॉज डेस्टमोना कमिटेड इन फिडेलिटी क्योंकि डेस्टमोना ने ओथेलो से बेवफाई की थी ये रॉन्ग है रीजन सही नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट यानी कि करेक्ट है सेकेंड रॉन्ग है और पहला ऑप्शन जो है बोथ कहता है करेक्ट है ये नहीं हो सकता सेकंड में ये कह रहे हैं सेकंड में कह रहे हैं कि बोथ आर ट्रू ये भी नहीं है हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन है जब सी वाला जो ऑप्शन है इसमें फर्स्ट ट्रू है और सेकेंड uh, जो आर है वो फॉल्स है और यही सही है क्योंकि पहला सही होता है लेकिन रीजन उसका सही नहीं है अगला हमारा क्वेश्चन है ट्वेंटी सिक्स नंबर का हु अमंग द फॉलोइंग विमेन राइटर्स फेमसली इमेजिन द प्लाइट ऑफ शेक्सपीरियन सिस्टर ये कहना चाहते हैं कि इसमें से किसने शेक्सपियर के सिस्टर के प्लाइट को दुर्दश दुर्दशा को इमेजिन किया है फर्स्ट है जॉर्ज इलियट सेकंड है वर्जीनिया वुल्फ, थर्ड है आयरिश मर्डोच और फोर्थ है फ्रांसिस बर्ले तो बेसिकली वर्जीनिया वुल्फ जो हैं इन्होंने एक ऐसे लिखा है अ रूम ऑफ वंस ओन क्या लिखा है अ रूम ऑफ वंस ओन इसमें इन्होंने एक फिक्शनल कैरेक्टर का प्रयोग किया है जिसका नाम रखा है जूदिथ शेक्सपियर के शेक्सपियर की सिस्टर के तौर पे उसका नाम रखा है जूधित तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी अगला क्वेश्चन हमारा है ट्वेंटी सेवन नंबर का ऑन द नोकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज़ अ लॉन्गर ऐसे बाय ये जो यहाँ पर यूज़ किया गया है ऑन द नोकिंग एट द गेट इन मैकबेथ ये एक ऐसे है और इस ऐसे को किसके द्वारा लिखा गया है फर्स्ट है जी विल्सन नाइट सेकेंड है ए सी ब्रैडली थर्ड है थॉमस डी कुंचे से फोर्थ है एफ आर लीविस तो इसका सही आंसर सी है इस ऐसे को थॉमस डी क्विंसे ने लिखा है हमारा अगला क्वेश्चन है ट्वेंटी एट नंबर का है कीप अप योर ब्राइट शॉर्ट्स फॉर द ड्यू विल रस्ट देम गुड सिग्नियर्स यू शेल मोर कमांड देन विद योर वेपन दाइन है कि जो ऊपर की लाइन है ये ओथेलो ने यूज किया है लेकिन किसको एड्रेस किया है फर्स्ट है रोडरीगो एंड ऑफिसर्स सेकेंड है बराबंशियो रोडरिगो एंड ऑफिसर्स थर्ड है द ड्यू कैंड सीनेटर्स फोर्थ है मॉन्टेनो एंड कैसियो तो बेसिकली ओथेलो ने इन लाइन्स में एड्रेस किया है ब्राबेंशियो रोडरीगो एंड ऑफिसर्स दैट मीन्स की बी इज द राइट आंसर अगला हमारा क्वेश्चन है ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन नंबर का इन किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम पुअर टॉम के वॉइस में कौन बोलता है लियर में कौन सा कैरेक्टर बोलता है फर्स्ट है केंट सेकंड है एडगर ई डी जी ए आर है ई डी जी ए आर एडगर सेकंड है एडमंड और थर्ड है ग्लाउसेस्टर ग्लाउसेस्टर की स्पेलिंग जी एल ओ यू एस टी आर जी एल ओ यू सी ई एस टी आर तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एडगर ऐसा बोलता है बी इज़ द राइट आंसर अगला क्वेश्चन हमारा है थर्टी नंबर का है विच ऑफ दिस ग्रीक प्लेस वॉज अ सोर्स फॉर द विंटर स्टेल ये कहते हैं कि विंटर स्टेल जो कि शेक्सपियर का एक प्ले है उसका सोर्स कौन सा होता है इसमें से तो फर्स्ट है इफ़ी जेनका एच ऑलिस थर्ड है एलसेस्टिस और सेकेंड है एलसेस्टिस थर्ड है मेडिया फोर्थ है, है इफ़ी जेनिया एच टोरिस तो बेसिकली इसका जो सोर्स होता है एक ग्रीक प्ले है एलसेस्टिस और एल इसका सोर्स होता है तो बी इज़ द राइट आंसर अगला क्वेश्चन हमारा है थर्टी वन है इन शेक्सपीरियन टाइम हु ओन द राइट टू अ थोरेटिकल स्क्रिप्ट यानी कि थियोरेटिकल जो स्क्रिप्ट होती थी उसको लिखने का राइट right किसके पास होता था फर्स्ट है द प्ले राइट सेकेंड है द पैटर्न ऑफ एक्टिंग कंपनी थर्ड है द प्रिंटर फोर्थ है द एक्टिंग कंपनी तो इसका सही आंसर है डी एक्टिंग कंपनी के बाद थियोरेटिकल स्क्रिप्ट को लिखने का राइट right होता था क्वेश्चन नंबर है थर्टी टू इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एन आर्ग्यूमेंट एंड रिमार्क इट्स ग्रीक टू मी इट्स ग्रीक टू मी के मतलब होता है ये मुझे बिल्कुल नहीं आता है जैसे हमने कहा डू यू नो पॉलिटिक्स हमने कहा इट्स ग्रीक टू मी यानी कि पॉलिटिक्स के बारे में आपको नहीं आता है तो ये जो ये जो फ्रेज है इट्स ग्रीक टू मी इसको किसने यूज़ किया है और कहाँ पे यूज़ किया है यू आर कॉर्टिंग टू ये कहना चाहते हैं इसको किसने यूज़ किया और कहाँ पे यूज़ किया है फर्स्ट है जॉन मिल्टन सेकेंड है सैमुअल जॉनसन थर्ड है विलियम शेक्सपियर और फोर्थ है जॉनडन तो बेसिकली जो इसका प्रयोग किया है शेक्सपियर ने यूज़ किया है और अपने प्ले में यूज़ किया है जूलियो सीजर में किस में यूज़ किया है जूलियो सीजर में यूज़ किया है इट्स ग्रीक टू मी अगला थर्टी थ्री नंबर का है इन किंग लियर फॉर वॉट रीजन डज कैंट अज्यूम अ डिसगाइज ये कहना चाहते हैं किंग लियर में जो कैंट होता है वो अपने आप को क्यों डिस्गाइ कर लेता है फर्स्ट है टू टू कंटिन्यू टू सेव लियर थ्रू दो लियर हैज़ बैनिश्ड हिम सेकेंड है टू स्पाई ऑन एडमेंट थर्ड है टू एंड एंटोगनाइज गंद्रिल यहाँ पर है गोंद्रिल एंड रीगन और फोर्थ है टू रेवेंच अपॉन लेयर फॉर बैनिशिंग हिम तो बेसिकली इसका सही आंसर फर्स्ट होता है ये अपने आप को जो बेसिकली क्या होता है कि किंग किंग्लियर इसको निकाल देता है बैनिश कर देता है निकाल देता है और ये किंग किंगलियर की फिर से खिदमत करना चाहता है सर्व करना चाहता है तो ये सर्वेंट का फेस बना लेता है इसलिए ये इज इस द राइट आंसर अगला हमारा क्वेश्चन है थर्टी फोर है शेक्सपियर्स नैरेटिव पोएम इज़ ये कहना चाहते हैं जो फोर ऑप्शन है इसमें से कौन सा शेक्सपियर का एक नैरेटिव पोएम है तो फर्स्ट है वीनस एंड एडोनिस सेकेंड है हीरो एंड लेंटर थर्ड है रोमियो एंड जूलियट फोर्थ है सिम्बेलाइन तो बेसिकली जो पोएम इसमें है वीनस एंड एडोनिस है ये शेक्सपियर की एक नैरेटिव पोएम है जिसको 1592 से 93 के बीच में लिखा गया था अगला हमारा क्वेश्चन है 35 है सर टोबे वेल्च एंड सर एंड्रयू एग चीक आर फेमस कैरेक्टर्स इन ये कहते हैं ये जो टोबी बेल्च है और एगो चीक है ये किसके फेमस कैरेक्टर्स हैं फर्स्ट है शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट सेकेंड है शेक्सपियर्स मेजर है थर्ड है शेक्सपियर्स अड समर नाइट्स ड्रीम और फोर्थ है शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइथ और इसका डी इज़ इस द राइट आंसर ये शेक्सपियर के ट्वेल्थ नाइट के कैरेक्टर्स होते हैं दोनों अगला हमारा क्वेश्चन है थर्टी सिक्स नंबर का है इन एज यू लाइक इट हु सेट टू होम द फॉलोइंग जो कहते हैं इनका जो प्ले एक है एज यू लाइक इट वो कौन कहता है इस लाइन को और किससे कहता है ऑल द वर्ल्ड ऑल द वर्ल्ड इज आई स्टेज यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है ऑल द वर्ल्ड डब्ल्यू ओ आर एल है संसार ऑल द वर्ल्ड इज आई स्टेज तो ये किसने कहा है बेसिकली इस पर मेटाफर का प्रयोग किया गया है संसार को स्टेज कहा गया तो किसका यूज़ किया गया है मेटाफर का प्रयोग किया गया है और ये टच स्टोन टू सेलिया पहला ऑप्शन है दूसरा रोसलिन टू और लेंडो थर्ड है जैक्स टू ड्यूक सीनियर और फोर्थ है एडम टू ड्यूक फेडरिक तो इसका सही आंसर सी होता है जैक्स कहता है ड्यूक सीनियर से कहता है अगला हमारा क्वेश्चन है थर्टी सेवन नंबर का इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रीज्यूम्ड डेथ हिज वाइफ पोर्शिया ये कहते हैं कि जूलियस सीजर में जब ब्रूटस अज्यूम कर लेता है डेथ को तो पोर्शिया क्या करती है रीमेरिज कर लेती है कमिट सुसाइड होता है गोज़ इनटू हाइडिंग होता है गोज़ इनटू एक्साइल होता है तो बेसिकली वो सुसाइड कर लेती है और सुसाइड कैसे करती है वो जो हॉट कॉल्स होते हैं उनको निगल जाती है और सुसाइड कर लेती है अगला हमारा क्वेश्चन है थर्टी एट है किल क्लाउडिस क्लाउडिया ये हु मेड दिस डिमांड एंड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर कौन ये डिमांड करता है शेक्सपियर के किस प्ले में करता है तो फर्स्ट है ओफिलिया इन हेमलेट सेकेंड है ओलि इन ट्वेल्थ नाइट थर्ड है जेसिका इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस और फोर्थ है बैटरीज इन मच एडो अबाउट नथिंग तो ये बैटरीज कहती है मच एडो अबाउट नथिंग में डी इज़ द राइट आंसर हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है थर्टी नाइन है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर फॉर वेंजेंस एंड वॉइस ऑफ कॉन्सस लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक प्रोटैगोनिस्ट इन शेक्सपियर्स प्ले ये कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर और वेंजस जो बदला लेने के लिए जो एक डिज़ायर होता है कॉन्फ्लिक्ट होता है और वही चीज़ जो होता है प्रोटोग्निस जो उसका नायक होता है उसको एक डाउनफॉल की तरफ पहुंचा देता है ये किस प्ले में ऐसा होता है फर्स्ट है हेमलेट सेकंड है मैकबेथ थर्ड है ओथेलो फोर्थ है एंटोनियन क्लिपात्रा तो इसका सही आंसर ये है जैसा कि हमें पता है कि हेमलेट जो होता है प्ले इनका हेमलेट जो होता है उसके पिता को उसके अंकल क्लाउडियस किल कर देते हैं उसी की बदला लेने के इसमें दिखाया गया है तो वही उसके डाउनफॉल का कारण होता है ये इज द राइट आंसर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो फोर्टी है इन द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो फील्ड आरे, फ्रीज एरियल फ्रॉम विच सिक्रॉक्स बट हैज़ इन स्लेब ये कहते हैं कि इनका जो एक बहुत ही फेमस प्ले है टेम्पेस्ट उसमें जो प्रोस्पेरो है वो एरियल को फ्री कर देता है विच से सिकरौक से और किसको वो गुलाम बना देता है या कैद कर देता है तो फर्स्ट है स्टीफेनो सेकंड है बोट्स वेन थर्ड है ट्रेनो और फोर्थ है कैलिबन तो कैद करता है कैलिबन यानी कि डी इज़ द राइट आंसर ये रही हमारी आज की वीडियो होप आपको समझ में आया होगा किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन टेक केयर हैव अ गुड टाइम